फ्रेंड्स, आपके अपने खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं गेहूँ के आटे से बने गोलगप्पे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये गोलगप्पे बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। मेरे पास कई लोगों की कमेंट्स आई थी कि गेहूँ के आटे से गोलगप्पे की रेसिपी बनाना बताएं। तो आज मैं गेहूँ के आटे से बने गोलगप्पे की रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में एक कप गेहूं का आटा डालेंगे। ये रेगुलर वाला गेहूं का आटा है। दो बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी को रवा भी कहा जाता है और ये मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। दो बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने से हम जो पूरी बना रहे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें हमने जो तेल डाला है मोयन के लिए वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखिए, अगर आटे की मुट्ठी बनती है इसका मतलब है तेल बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए हल्का गुनगुना पानी ही लें। इसी से गोलगप्पे गुब्बारे की तरह फूले फूले बनेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। आटे को हमें सख्त रखना है, जैसा कि हम पूड़ी के लिए रखते हैं। अब डो को हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को उठाकर सरफेस पर डालकर अच्छे से मसल मसल कर स्मूथ कर लें। आटे को हम तब तक मसलेंगे जब तक कि इसमें जो सूजी के दाने हैं वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इस तरह से हम अच्छे से मैश कर रहे हैं। गोलगप्पे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पानीपुरी, पुचका, पताशी। आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से गुब्बारे की तरह फूले फूले गोलगप्पे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आटे को अच्छे से मसलते हुए मैंने इसे चिकना कर लिया है। अब इसमें से हम आधा पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। बचे हुए आटे को हम कवर करके रखेंगे ताकि इसमें कोई भी पपड़ी ना जमे। देखिए इस तरह से मैंने आटे की लोई बना ली है। अब इसे हम बेलेंगे। लोई पर मैंने तेल लगाया है। आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं, और अगर आप बिना आटे या तेल के बेल सकते हैं तो उस तरह से भी बेल सकते हैं। अब इसे हम पतला पतला बेल लेंगे। देखिए मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है और इसकी थिकनेस को भी मैं बता रही हूँ। मैंने इसे इतना पतला बेला है। अब हम एक ढक्कन की हेल्प से इसकी छोटी छोटी पूरियाँ कट कर लेंगे। आप चाहे तो किसी भी कुकिंग कटर या कटोरी या फिर छोटे से ग्लास से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से पूरी हमें प्रॉपर शेप में मिल जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इन्हें उठाकर हम एक प्लेट में रख लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसे हम फिर से डो में मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अगर आप एक साथ सारी पूरियाँ बनाकर रखना चाहते हैं तो इन्हें गीले कपड़े से ढक कर रखें, नहीं तो इसमें पपड़ी जम जाएगी। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम से थोड़ा सा तेज ही रखेंगे। अब इसमें हम एक एक पूरी डालेंगे और इस तरह से हम इसे दबाते जाएंगे।
एक एक पूरी डालें और इसी तरह से दबाएं तो ये इस तरह से फूल जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया करारी फूली फूली फुल्की बनकर तैयार हो गई है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया फूले फूले गोलगप्पे बनकर तैयार हैं। आप इन्हें खट्टे मीठे पानी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गोलगप्पे को थोड़ी देर हवा में ठंडा होने दें, नहीं तो गोलगप्पे नरम पड़ जाएंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली पानी पूरी की पूरियां फुल्की बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।